सामाजिक अध्ययन में मैं आपको पहला अध्याय ब्रह्मांड तथा पृथ्वी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं वही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब ब्रह्मांड तथा पृथ्वी, ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सूर्य, सौरमंडल के सभी ग्रह, उपग्रह और मंदाकिनी, क्षुद्र ग्रह, ये सभी उपस्थित होते हैं या उसमें सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य तथा उसके चारों चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। हमारे जो ब्रह्मांड हैं, मतलब कि सौरमंडल में जो 8 ग्रह होते हैं, सूर्य के साथ बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं ये क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब तो सूर्य के साथ साथ ये जो 8 ग्रह पाए जाते हैं सौरमंडल में, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमको मालूम है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, यानी कि सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। सबसे जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो कौन है? पृथ्वी, सॉरी, वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रहों में पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है? तीसरा। अब पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल, वायु और प्रकाश विद्यमान है। पृथ्वी पर ही जल, वायु और प्रकाश पाया जाता है, जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं उसमें पृथ्वी में वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नदियाँ, मैदान, पर्वत और पहाड़ हैं। अब जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? नदियाँ पाई जाती हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अन्न, जल, फल व सब्जियों से हमारा पालन पोषण होता है। अब जो पृथ्वी पे अन्न जल पाए जाते हैं उन्हीं से, मतलब कि जो जल पाया जाता है, जो मिट्टी पाई जाती है, उनमें फसल हम उगाते हैं, यानी कि कृषक फसलों को उगाते हैं और वही हमारे जीवित रहने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो वही है। अब पृथ्वी का आकार बहुत ही बड़ा है। पृथ्वी का आकार बहुत ही बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे महाद्वीप, महासागर भी पाए जाते हैं। सभी जीव जंतु पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। अब पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? पृथ्वी पर पहाड़ भी पाए जाते हैं, नदियाँ भी पाई जाती हैं। पृथ्वी पर महासागर होते हैं, महाद्वीप होते हैं, झरने होते हैं, जंगल होते हैं। तो ये सभी पृथ्वी पे पाई जाती हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो पृथ्वी है वो कैसे बनी है? सूर्य से टूटे हुए एक टुकड़े के ठंडा होने पे, यानी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य से टूटे हुए एक टुकड़े के जो ठंडा जब हुआ तब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सूर्य की भांति ही पृथ्वी भी एक आग का गोला थी। मतलब कि शुरू शुरू में जब, क्योंकि सूर्य भी एक आग का गोला था और जब उसमें से कुछ टूटा, कुछ उसका भाग टूटा, तो वो भी गर्म ही था, वो भी आग का गोला ही था। उसी के ठंडे होने के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। अर्थात उस समय पृथ्वी भी बहुत ही गर्म थी, क्योंकि जब सूर्य गर्म था उसका टुकड़ा गर्म होगा तो पृथ्वी, क्योंकि उसी से उत्पत्ति हुई, तो उस समय पृथ्वी भी बहुत ही गर्म थी। धीरे धीरे पृथ्वी पर छोटे छोटे कण वायुमंडल में एकत्रित होने लगे। पृथ्वी के तापमान में गिरावट आने के साथ ही कहीं धरातल और कहीं नीचा हो गया। इसी प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ?
शुरू शुरू में पृथ्वी एक आग का गोला थी, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला था, उसके टुकड़े से उसका टुकड़ा टूटा, वह भी गर्म था, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर आज से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वनस्पति का जन्म हुआ। अब ये पूछा जाए कि पृथ्वी पे जन्म कब हुआ वनस्पतियों का, तो कब हुआ? 10 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी पर 10 अरब वर्ष पहले वनस्पति का जन्म हुआ। यह समुद्र में अमीबा नामक जंतु से हुआ, मतलब कि जो जन्म हुआ था यह अनेक रूप में थी, और जो समुद्र में अमीबा नामक जंतु था, अमीबा नामक जंतु, उसका जन्म हुआ। अमीबा से विकसित होकर जलचर, उभयचर तथा स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले अमीबा की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात अमीबा के पश्चात, अमीबा के पश्चात जलचर, उसके पश्चात उभयचर, लास्ट में स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। अब है क्षितिज। क्षितिज या क्षैतिज किसे कहते हैं? क्षितिज या क्षैतिज किसे कहते हैं? तो हम किसी स्थान पे अगर खड़े होके देखें, हम किसी स्थान पे खड़े होके देखें तो कुछ दूरी पर हमको आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आएंगे। किसी भी स्थान से, हम ऊंचे स्थान से या कहीं से खड़े होके देखें तो हमको आगे दूर जाके हमको किसी स्थान पे आकाश पृथ्वी नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। यदि हम उसके और आगे बढ़ेंगे तो वह जो क्षितिज होगा वो और आगे खिसक जाएगा, यानी कि वो मिलान बिंदु और आगे खिसक जाएगा, तो इसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज किसे कहेंगे? कि किसी स्थान पर, अगर हम किसी स्थान पर खड़े होकर दूर देखते हैं तो किसी स्थान पे वो क्या होगा कि आकाश और जो भूमि है, जमीन है, पृथ्वी है, वह एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे, उसी को क्षितिज कहा जाता है। अब है पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी किस आकार का है? पृथ्वी गोल है, और यह कैसी होती है? नारंगी की भांति दिखाई, नारंगी के रूप में यह गोल मतलब प्रतीत होती है। पृथ्वी हमेशा गोल ही है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपटी दिखाई देती है। पृथ्वी का आकार तो गोल है, लेकिन पृथ्वी हमें चपटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ही देख सकते हैं, हम पृथ्वी को पूरा नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसका एक छोटा सा भाग ही देख सकते हैं, इसलिए यह नारंगी की भांति सिरों पर चिपटी है, यानी कि यह चिपटी सी हमको दिखाई देती है। अब इसके जो दो सिरे हैं, पृथ्वी के कितने सिरे हैं? पृथ्वी के दो सिरे हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का उत्तरी जो भाग है, उत्तरी सिरे को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। जबकि निचला जो सिरा है, निचला सिरा, उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसके बाद तो पृथ्वी के उत्तरी सूर्य को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सूर्य को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर बहुत मोटी परत है, जो लगभग कितने किमी का है? 400 किलोमीटर है। इस परत को ही वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत जो कितनी है? 400 किलोमीटर, वही क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। अब आगे है, सन 1539 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक मैगलेन स्पेन से कुछ नाविकों के साथ पश्चिम की ओर लंबी यात्रा पर निकला। कौन था? स्पेनिश सॉरी पुर्तगाली नाविक मैगलेन। पुर्तगाली नाविक मैगलेन अपने कुछ साथियों के साथ लंबी समुद्री यात्रा पर निकला। लगभग 3 वर्ष पश्चात मैगलेन एवं उसके कुछ साथियों मैगलेन और उसके कुछ साथी जो थे
वे उसी स्थान पर पहुंच गए जिन्होंने जहां से उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की थी। यात्रा से उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी गोल है, मतलब ये कि वे जिस स्थान से स्टार्ट किए थे अपनी समुद्री यात्रा, जिस स्थान से स्टार्ट किए वहीं पे कई दिनों बाद वो वहीं उसी स्थान पे पहुंच गए। तीन वर्ष पश्चात वे उसी स्थान पे पहुंच गए, जिससे क्या पता चलता है, उन्हें ये आभास हुआ कि पृथ्वी गोल है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष की ओर मानव। तो रूस के जो यूरी गागरिन थे, रूसी यात्री जो थे अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, वे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। कब रखा कदम? 1961 में। रूस के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे यूरी गागरिन, या संसार के दुनिया के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, उन्होंने 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा की और वहाँ से देखा कि पृथ्वी गोल है। यानी कि अगर हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से बाहर जाके जब देखेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि पृथ्वी कैसी है। तो ये अंतरिक्ष में गए और वहाँ से इन्होंने क्या बताया, वहाँ से इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। इसके पश्चात सन 1969 ईस्वी में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, 1969 में अमेरिका के जो दो यात्री थे, कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ने अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा की यात्रा की। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री कहाँ पे गए? 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा की यात्रा की। इन्होंने चंद्रमा से पूरी पृथ्वी के अनेक कोणों के चित्र लिए, क्योंकि चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो वहाँ से पहुँचने के बाद उन्होंने पृथ्वी के अनेक कोणों से क्या किया, चित्र खींचा, पृथ्वी की फ़ोटो खींची। इन चित्रों से क्या सिद्ध हुआ, इन चित्रों से इन्होंने क्या सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने इन चित्रों से बताया कि पृथ्वी गोल है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये पहला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को और समझने के लिए, मतलब कि अभ्यास को और समझने के लिए वीडियो को कई बार देखिए। जितना ही बार ज़्यादा देखेंगे, जितना ही वीडियो को देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, इसमें से अध्ययन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।